हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों देहिक पटनायक वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देहिक पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य है ये असम का एक वन्यजीव उद्यान था जिसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित चौथी कौन सी स्कॉर्पिन सबमरीन भारतीय नौसेना को प्रदान की गई है, तो इसका नाम है INS वेला। देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 जो है इसी के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना को ये INS वेला प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको निर्मित किया गया था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 क्या है इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा जानते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट 75 जो है ये भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण शामिल है। कलवरी श्रेणी की सब पनडुब्बियों का डिजाइन फ्रेंच स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है और इसके निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग जो रक्षा मंत्रालय है और भारतीय नौसेना है इसके द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। यहाँ पर एक समझौता हुआ था। देखिए, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट 75 के बारे में बता देते हैं आपको और थोड़ा। यहाँ पर एक जो MDL है मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, इसके बीच में और एक फ्रांस के बीच में एक सौदा हुआ था 2005 में $3.75 बिलियन का ये सौदा हुआ था, जिसके तहत क्या होगा, फ्रांस की जो नौसेना समूह है उसकी प्रौद्योगिकी की सहायता प्राप्त करके यहाँ पर भारत में जो मजगांव डॉक लिमिटेड है वो ये 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जिसमें से हाल ही में जो है जो चौथी पनडुब्बी है उसको यहाँ पर सौंपा गया है भारतीय नौसेना को और इसको नाम के दिया गया है INS वेला। आपसे पहले जो है 3 पनडुब्बियाँ सौंप दी गई थी जिसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताया था आपको पिछले वीडियोज में, और जो चौथी पनडुब्बी है सबमरीन है इसका जो नाम है वो यहाँ पर INS वेला रखा है, ठीक है। और टोटल कितने निर्माण करने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, 6 सबमरीन्स का निर्माण इसके तहत करना यहाँ पर शामिल है इस सौदे के तहत, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित जो स्कॉर्पिन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपेलेशन सिस्टम द्वारा संचालित होती है। कौन सिस्टम से, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपेलेशन सिस्टम के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, हाल ही में किसने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है, तो ये क्या है, CRPF के द्वारा। CRPF ने हाल ही में ये घोषणा की है चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने के लिए, जो अपने कर्मी हैं, जो अपने सहायक, जो मतलब कि सैनिक है, उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। अगला अपडेट देखिएगा, भारत की किन प्लेयर्स ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है, तो यहाँ पर मनिका बत्रा और जो अर्चना गिरीश कामत है इन दोनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर जो महिला युगल का जो खिताब है ये विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 इसमें यहाँ पर महिला युगल का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस संगठन ने सस्टेनेबल योर अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये UNEP के द्वारा जारी की गई है। देखिए शीर्षक क्या है, सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है। UNEP जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसने ये यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक क्या है, सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक। और इस रिपोर्ट के अनुसार शहर स्पॉट हॉट स्पॉट होंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी तेजी से अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इसके अनुसार जो शहर हैं वो हॉट स्पॉट बनेंगे और शहरी ताप द्वीप प्रभाव जो अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट है उसके कारण शहरों को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है UNEP ने, ठीक है। अगला अपडेट,
कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर आपका पंजाब। इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है अपना, भारतीय बल्लेबाज जिसने 3000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। करेक्ट आंसर आपका रोहित शर्मा। देखिए हाल ही रोहित शर्मा ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है, T20 इंटरनेशनल T20 के जो है टोटल 3000 रन पूरे कर लिए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए। अब दुनिया के तीसरे बन गए हैं, भारत के कौन से बने हैं? तो भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं ऐसा करने वाले। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो मैंने बताया कि ये दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं, तो इनके अलावा भारत के जो एकमात्र जो पहले खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 3000 या इससे ज़्यादा रन बना लिए हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं, तो तीसरा नाम है वो है न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, इनका नाम आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, जिन्होंने भी जो है 3000 या इससे ज़्यादा रन पूरे कर लिए हैं। तो ये तीन प्लेयर्स हैं, इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अगला अपडेट है अपना, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हाल ही ये इंडेक्स जारी किया गया जिसका शीर्षक या टाइटल क्या रखा है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021। यह इस इंडेक्स का तीसरा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स को जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये भी सही है। और इंडेक्स में टॉप थ्री पर गुजरात हरियाणा और पंजाब जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो आपके तीनों के और तीनों ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सभी सही है या उपरोक्त एक ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 18वें स्थान पर। टोटल 30 देशों को यहाँ पर इस ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में शामिल किया गया था, जिसमें से भारत कौन से स्थान पर रहा है? 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी की गई थी। अगला अपडेट है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इसकी थीम जो है आप ध्यान रख लीजिएगा, जो थीम है वर्ल्ड साइंस डे की या विश्व विज्ञान दिवस की, वो क्या रखी गई इस बार, STI का भविष्य, शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव। इंग्लिश में आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये इसका थीम रखा गया है इस बार वर्ल्ड साइंस डे का। ठीक है, अगला अपडेट, पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को हाल ही स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? टोटल यहाँ पर 17 वैज्ञानिकों को हाल ही में ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। ठीक है, अगला अपडेट, 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा परिवहन दिवस। पूरे भारत में 10 नवंबर को ये परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला अपडेट देखिएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की है? तो ये योजना की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो सरकार का राज जो मतलब कि सरकार के निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। फिर देखिए, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इनका नाम है कोझिकोड शारदा, जिनका हाल ही में यहाँ पर 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और एक मशहूर मलयालम अभिनेत्री थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगला नौसेना प्रमुख चुना है, नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका सही आंसर होगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार हाल ही में नौसेना के
अगले नौसेना प्रमुख चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा विस्तार से बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2021 को ख़त्म हो रहा है, रिटायर्ड होने वाले हैं 30 नवंबर को। ऐसे में यहाँ पर केंद्र सरकार ने पश्चिमी नौसेना के जो फ्लैग ऑफिसर है कमांड इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, इनको 30 नवंबर 2021 की दोपहर से नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख चुन लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति दी थी, तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।